अब हमारे सामने श्री वैवस्वत अनु महाराज के एक पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र, जिनका नाम है इक्ष्वाकु, इसी वंश भगवान राम प्रकट होने वाले। इक्ष्वाकु वंश प्रभो रामो नाम जनिश्रुतः नियता आत्मा महावीर यो द्युतिमान धृतिमान वशी, ऐसा भगवान वाल्मीकि प्राचेतस कहते। अब इसी वंश में कुक्षी, त्रिशंकु, कुक्षी, निमि, दंड आदि क्रम से अनेक पुत्र की परंपरा चली। एक राजा थे जिनका नाम पुरंजय था, बड़े प्रतापी राजा थे सूर्यवंश के। जब जब देवताओं को कष्ट प्राप्त होता, किसी दैत्य से पराभूत हो जाते देवता, तो सूर्यवंश के इसी राजा के यहाँ निमंत्रण भेजते, महाराज आप हमारी रक्षा करिए। तो सूर्यवंश के ये राजा जाते देवताओं का सहयोग करने के लिए। कालिदास ने रघुवंश में इसका संकेत किया है और पुरंजय महाराज वहाँ गए और कहा, इंद्र जी आप बन जाइए बैल और मैं आपके ककुत पर, राजस्थानी में थुआ कहते हैं, और ये पृष्ठभाग पर मैं बैठ करके और फिर युद्ध करूंगा। और युद्ध किया, ऐसा चमत्कार किया, ऐसी वाण लीला की कि सकल राक्षसों का संहार कर दिया। तो इंद्र ने प्रसन्न होकर इनको एक उपाधि दी, का ककुत्स्थ, ककुदि तिष्ठति इति ककुत्स्थ। और इसी वंश में उत्पन्न होने के कारण मेरे राम जी को लोग काकुत्स्थ कहते। काकुत्स्थ पुरुषः पूर्णः कौसल्ययो रघुत्तमः, ऐसा कहा जाता है।